एग्जांपल बताती हूँ। जो बिस्किट का डिब्बा है आप उसके अंदर बिस्किटें रखते हो और जिससे आप बर्तन धोते हैं आप उसको अलग रखते हो। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि बिस्किट वाले डिब्बे में आप बर्तन जिससे हम धोते हैं सो उसे आप उसके अंदर रख सकते हो? नहीं रखते। आप बिस्किट को अलग रखते हो और सोप को अलग रखते हो। तो इसका मतलब है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। एक और एग्जांपल से बताती हूँ। टॉयज वाले डिब्बे में आप टॉयज रखते हो और जो हमारी बुक का शेल्फ होता है उसके अंदर आप बुक ही रखते हो। क्या आप बुक के शेल्फ के अंदर कभी टॉय रख सकते हो? नहीं। और क्या आप टॉयज के अंदर बुक रख सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी रीड टुडे, आज हमें क्या क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट एंड अंडर्स, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटीज भी करेंगे जो हमारी बुक में दे रखी है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में अपीयरेंस आएगा, हार्ड हार्डनेस आएगी, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल आएगा, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर आएगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। और लास्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सॉल्यूशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस में हम क्या बताएंगे और हम क्या सीखेंगे? अब दोस्तों ऑब्जेक्ट अराउंड अस का मतलब है आपके चारों ओर जितनी भी चीजें आप उनको एक बार देखो। तो मैं कुछ चीजों को लेती हूँ। मेरे पास है ये ग्लू। तो ग्लू किस से चीज से बनी हुई है? प्लास्टिक से। जैसे मेरे पास है स्केल, ये किस से बना हुआ है? प्लास्टिक से। जैसे मेरे पास है ये बॉटल, ये भी प्लास्टिक से बनी हुई है। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये है सेंट, जिसे हम अपने उस पे कपड़ों पे लगाते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट जब हम पार्टी में जाते हैं तब। तो ये किससे बना हुआ है? ये दोस्तों प्लास्टिक से नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है मेटल से। इसकी जो ऊपर की कैप है ये बनी हुई है प्लास्टिक से। और जैसे कि हमारे पास डी है, तो ये भी प्लास्टिक से है। और ये इरेजर है, इसका जो ऊपर की साइड की पूरी कैप है ये भी प्लास्टिक से है। और जैसे ये डस्टर है, तो इसका पीछे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये किससे बना हुआ है? वुड से। तो दोस्तों अलग अलग चीज अलग अलग चीजों से बनी होती है। जैसे कि डस्टर वुड से बना है, वो ग्लू प्लास्टिक से बनी है, इसी तरीके से। तो इसी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये स्केल है, ये प्लास्टिक का भी बन सकता है, आयरन का भी बन सकता है। आयरन का आता है ना इतना बड़ा स्केल, आयरन का भी बन सकता है और भी बहुत सारी चीजों का बन सकता है। ये बॉटल, ये बॉटल मेटल की भी बन सकती है, वुडन बॉटल भी एक आती है, वुड की भी बन सकती है, और ये प्लास्टिक की तो है ही। तो अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों से कंबाइंड होती है। जैसे कि मैंने स्केल लिया, तो प्लास्टिक से भी बन सकता है। और किससे बनता है? आयरन से बनता है। और भी बहुत सारी चीजों से बनता है, ईटीसी। अब बात करते हैं इस ग्लू की। ग्लू किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। ग्लू भी बहुत सारी चीजों से बनी होती है। जिसमें ग्लू डली हुई है उसका कवर है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और ये रबर की भी बन सकती है, प्लास्टिक और रबर। इसका भी ईटीसी। मैं आपको एक बार सारी चीजों को बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अभी पेंसिल है, तो ये अभी किससे बनी हुई है? वुड से। देखो अब इसकी इस साइड का एरिया है, तो ये वुड से बना हुआ है। तो पेंसिल बनी हुई है वुड से। अब इसे मैं इसकी इस एरिया की बात कर रही हूँ, इसकी अंदर की जो लीड है उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसके बाहर के कवर की बात कर रही हूँ। ये वुड से बना हुआ है, और भी चीजों से बन सकती है। और ये सेंट,
से भी बन सकता है। प्लास्टिक ईटीसी। तो ऐसे ही दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीकों से बनती है, जैसे कि जो स्केल है वो प्लास्टिक आयरन से बनता है, और भी चीजों से बनता है। ग्लू प्लास्टिक से बनती है, रबर से बनती है, और भी चीजों से बनती है। पेंसिल, वुड एक्सेट्रा, सेंट मेटल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। दोस्तों तो एक और चीज बता देती हूँ, सेंट को हम परफ्यूम भी बोलते हैं। तो आपको अभी क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस का मतलब क्या है। अलग अलग चीजों को अलग अलग जब हम छाट देते हैं, जैसे कि स्केल, ग्लू, पेंसिल, सेंट। आप वाटर बॉटल को अलग रखते हो, ग्लू को अलग रखते हो, मतलब ग्लू को तो आप पेंसिल के साथ भी रख सकते हो क्योंकि वो स्टेशनरी मटेरियल है। सेंट को आप, जिसको हम परफ्यूम कहते हैं, उसको आप अलग रखते हो। तो ये है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। तो ये है हमारी दो एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटीज में है ये दो ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं और मटेरियल दे आर मेड ऑफ, और मतलब कि किस किस मटेरियल से ये बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लेट है, जिसे हम थाली भी कहते हैं, प्लेट। अब इससे प्लेट किस किस चीज से बन सकती है? स्टील से बन सकती है, ग्लास से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है, वुड से बन सकती है, एक्सेट्रा। एनी अदर, पैन, पैन किस से बनता है? प्लास्टिक से बनता है, मेटल से बनता है, एक्सेट्रा। एनी अदर, नो। वुड, चेयर, टेबल, पेंसिल, बेड और सोफा। मतलब इसमें हमें क्या बताना है कि वुड से क्या क्या चीजें बनती है। वुड से चेयर बनती है, वुड से टेबल बनती है, वुड से पेंसिल बनती है, वुड से बेड बनता है, वुड से सोफा बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला है हमारे पास पेपर। पेपर से बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, नोट्स जो हमें मिलते हैं स्कूल में वो बनते हैं, और टॉयज बनते हैं, कैलेंडर्स बनते हैं, और साथ में और बन सकता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बनता है। लेदर, लेदर, लेदर से क्या बनता है? सॉरी, प्लास्टिक से क्या बनता है? बॉटल बनती है, चेयर बनती है, टॉयज बनते हैं, एक्सेट्रा। लेदर, अब लेदर से शूज बनते हैं, बैग्स बनते हैं, एक्सेट्रा। और कॉटन से हमारे क्लोथ बनते हैं, और भी चीजें, एक्सेट्रा। तो हो गया हमारी एक्टिविटी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला है हमारा, उसका पार्ट है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस के दो पार्ट होते हैं, मतलब कि अपीयरेंस टू टाइप्स का होता है, एक लस्टर और एक नॉन लस्टर। अब दोस्तों लस्टर का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। लस्टर वो चीजें होती हैं जो शाइन करती है, और नॉन लस्ट्रस वो चीजें होती हैं जो कभी शाइन नहीं करती है। दोबारा बताती हूँ, लस्टर वो चीजें होती हैं जो शाइन करती है, और नॉन लस्टर वो चीजें होती हैं जो कभी शाइन नहीं करती है। अब दोस्तों लस्टर में क्या होगा? मेटल एक ऐसी चीज है जो हमेशा चमकती है, और नॉन लस्टर में जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था ये स्केल, तो वो नॉन लस्टर में आ जाएगा, और मेटल की जितनी भी चीजें बनती है वो लस्टर में आ जाएगी। तो ये फर्क है लस्टर और नॉन लस्टर में। अब दोबारा बताती हूँ, अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है कि जो चीज चमकती है, जो चीज नहीं चमकती है। जो चीज चमकती है उसे लस्टर कहते हैं, जो चीज नहीं चमकती है उसे नॉन लस्टर। इतना चीज क्लियर हुई तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और जब हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगी कि इसके क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मेटल है वो किस चीज का एग्जांपल है, लस्टर का एग्जांपल है या नॉन लस्टर का एग्जांपल है। तो आपको जवाब देना है लस्टर का एग्जांपल है, क्योंकि मेटल शाइन करता है, नॉन लस्टर शाइन नहीं करता है। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप की तरफ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का सेकंड जो पार्ट है वो है हार्डनेस। अब हार्डनेस में हार्ड चीजें भी आ जाएगी, सॉफ्ट भी आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हार्ड, और यहाँ पर
सॉफ्ट है, जैसे कि पिल्लो। पिल्लो आराम से आप प्रेस करते हो अपने हैंड से, प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो सॉफ्ट है। लेकिन अलमीरा को देखोगे आप, चेयर को देखोगे आप उसको चेक कितने प्रेस कर लो, वो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, मतलब उस अपनी शेप चेंज नहीं करता। जब हार्ड सरफेस अपनी शेप चेंज ना करे तो वो हार्ड है, अगर कोई चीज अपनी शेप को चेंज कर ले द प्रेस करने पर तो सॉफ्ट है, ये है हार्डनेस। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के थर्ड पार्ट की, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, फ्लोटिंग और सिंकिंग और ट्रांसपेरेंस। अब सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल वो चीजें होती है जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं, लेकिन इनसॉल्युबल वो चीजें होती हैं जो पानी के अंदर आसानी से नहीं घुल पाती। अब दोस्तों अगर आप बात करो सॉल्युबल में चीनी की, अब चीनी को बार 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 मिलाओगे तो वो पूरी घुल भी जाएगी। तो इनसॉल्युबल वो चीजें होती है जो पानी के अंदर नहीं घुल पाती है, जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी को अगर पानी के अंदर घोलोगे तो वो कुछ समय के बाद जो पानी है उसके नीचे, उसकी जो नीचे वाली जगह है वहां पर बैठ जाएगी, उसकी सतह पर बैठ जाएगी। तो ये है एग्जाम्पल इनसॉल्युबल का। तो अगर आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्लियर हो गया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला फ्लोटिंग और सिंकिंग। अब वो चीज जो फ्लोट करती है, तो मतलब जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जो पेड़ की लीफ होती है, लकड़ी जो होती है, ये चीजें फ्लोट करती रहती है हमेशा। लेकिन सिंकिंग में अगर आप सिक्के को पानी के अंदर डालोगे तो वो अंदर चला जाएगा, वो है सिंकिंग। अब ये हो गया फ्लोटिंग और सिंकिंग। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का भी कोई टाइप नहीं है, फ्लोटिंग और सिंकिंग का भी कोई टाइप नहीं है, तो आपको ये दोनों क्लियर हो गए। अगला ट्रांसपेरेंस। अब ट्रांसपेरेंसी तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट मैं आपको बता दी, वो चीज जिसके आर पार हम आसानी से देख सके। अब जैसे कि आपके घर में विंडो होगी, आप उसके आर पार देख सकते हो, तो वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और एक ग्लास जो होता है, ग्लास, कांच का जो ग्लास होता है, उसके आर पार आप देख सकते हो बिल्कुल, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार देख सके लेकिन उतने बढ़िया तरीके से नहीं जितना ट्रांसपेरेंट को देख सके। मतलब कि ये है जैसे कि ट्रेसिंग पेपर, आप उसके आर पार देख तो सकते हो, ट्रेसिंग पेपर का मतलब है इतना पतला कागज जिसके आर पार दिख सके, देख सकते हो लेकिन अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हो। अगला ओपेक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या आप इस बोर्ड के आर पार देख सकते हो? नहीं, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या आप आपकी वॉल के ऊपर हाथ रखो और दूसरी साइड जाके एक बार देखो तो क्या आप उसके आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। पिल्लो, पिल्लो के आर पार आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज बता देती हूँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। अब मतलब मैं आपको बता दूं, बल्ब की खुद की लाइट होती है, और स्टार्स, सन, सन की खुद की लाइट होती है, स्टार्स की खुद की होती है। तो ये सारे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसकी खुद की लाइट, ट्यूबलाइट्स, इसकी खुद की लाइट होती है, जिसकी खुद की लाइट हो। लेकिन नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, पर वो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे टेबल, चेयर, एनिमल, प्लैनेट्स, मून एक्सेट्रा। तो ये है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये वाली है हमारी साइंस की एनसीईआरटी की बुक। तो अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है,
Name five objects which can be made from wood. ऐसे पांच ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो कि वुड से बनते हैं. तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है चेयर, टेबल, सोफा, बेड, गेट एक्सेट्रा. अब जैसे अगला है हमारा क्वेश्चन, सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. अब दोस्तों ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि शाइन करते हैं, तो ग्लास बाउल भी शाइन करता है, स्टील स्पून भी शाइन करते हैं. तो ये हमारा सेकंड का आंसर होगा. थर्ड का आंसर है मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग many objects. अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि टेबल दे रखी है, ये देखिए ये है हमारी टेबल. जिस टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ मटेरियल्स है, हमें इनको मैच करना है. मैच द फॉलोइंग है, तो बुक पेपर से बनती है, चेयर वुड से बनता है, टॉय प्लास्टिक से बनती है. वैसे टॉय वुड से भी बनती है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम चेयर को प्लास्टिक लिख दे. नहीं, चेयर वुड से बनती है, इसीलिए टॉय प्लास्टिक से बनता है, टम्बलर ग्लास से बनता है, और शूज लेदर से बनता है. अगर है ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स. इसमें हमें बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं? नहीं, ये तो एक ओपैक होता है. व्हाई ग्लास इज ओपैक, और ग्लास ओपैक होता है? नहीं, ग्लास के आर पार देखा जा सकता है. तो ये हो गया हमारा फॉल्स. अगला है अ नोटबुक हैज लस्टर, क्या नोटबुक शाइन करती है? नहीं. व्हाई इरेजर डज नॉट, क्या इरेजर नहीं करता? नहीं, ना इरेजर शाइन करता है और ना ही नोटबुक शाइन करती है. तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स. अगला है चॉक डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या चॉक वाटर के अंदर मींस मतलब कि घुल जाएगा? यस, ट्रू. अगला है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, एक वुड का जो पीस है क्या वो पानी में तैर सकता है? बिल्कुल तैर सकता है. अगला हमारा है हमें इनमें से ऑड वन आउट, मतलब कि हमें इनमें से क्या बताना है. हाँ, इसमें अगले भी है. शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्या शुगर वाटर में डिजोल्व हो सकती है? शुगर वाटर में डिजोल्व हो सकती है. तो इसका आंसर रहेगा हमारा टू. अगला है ऑयल मिक्स विद वाटर, ऑयल पूरा मिक्स हो जाता है वाटर के साथ? नहीं, वो तो फ्लोट करता रहता है ऊपर ऊपर, वो मिक्स नहीं होता. तो इसका आंसर है फॉल्स. अगला है सैंड, क्या सैंड हमारे वाटर में डिजोल्व हो सकता है? सैंड को हम वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं? सैंड या फिर सॉइल, आप जो भी समझे इसको, सॉइल वाटर में डिजोल्व हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इसका जवाब है हमारा. अगला है हमारा गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट आर मटेरियल, हमें इसमें से बताना है कि कौन से राउंड शेप और अदर शेप है, और कौन से ईटेबल है और नॉन ईटेबल है. तो मतलब कि राउंड जो गोल है और जो गोल नहीं है, और जिन्हें हम खा सकते हैं और जिन्हें हम नहीं खा सकते. तो ये आप छाट के आपको बताना है, ये आप कर सकते हो. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें इसमें से ऑड वन आउट बताना है, कोई एक बताना है मेन कि ये ऑड वन आउट है. चेयर, बेड, चेयर और बेड फर्नीचर में, टेबल फर्नीचर में, बेबी, बेबी नहीं है फर्नीचर में, कबर्ड. तो चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड ये है फर्नीचर में, और ऑड वन आउट कौन सा होगा? बेबी. अगला है रोज, जैस्मिन, रोज और जैस्मिन दोनों फ्लावर्स हैं. बोट, बोट अलग कर दो, मैरीगोल्ड और लोटस फ्लावर है. तो बोट हो गया हमारा ऑड वन आउट. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, और लास्ट में है सैंड. तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, तो ये तो मेटल में आ गए. अब सैंड ऑड वन आउट हो गया, तो सैंड
देंगे। कॉपर सल्फेट अलग चीज है तो उसे हम अलग कर देंगे, तो कॉपर सल्फेट इज ऑर्बिट आउट। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।